विश्व हिंदू परिषद रामपुर ने तुलसी माता और श्रद्धानंद महाराज जी का पूजन बड़े धूमधाम के साथ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य स्वामी चिंतामणि जी महाराज व पूज्य स्वामी द्वारिकाधीश जी महाराज जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में सभी लोगों को ये संदेश दिया गया कि आज के बाद रामपुर के किसी भी गांव में धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, या जिन व्यक्तियों ने किसी कारणवश धर्म परिवर्तन कर लिया है उन लोगों की विश्व हिंदू परिषद द्वारा घर वापसी करवाई जाएगी। द्वारिकाधीश जी, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष सुरेश मेहता जी, विभाग मंत्री बहन अनिता जी, विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री श्रीमान विनोद जी यहाँ पर उपस्थित खुशी सभी गणमान्य जन, माता मैंने भाइयों एवं मेरी आवाज के दायरे में आने वाले रामपुर की प्रबुद्ध आम जनमानस, हम सभी जानते हैं कि आज 25 दिसंबर है, यानी तुलसी महोत्सव का दिन है। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है और आयुर्वेद के अनुसार हम देखेंगे तो उसको अमृत कहा जाता है, यानी तुलसी कई तरह की बीमारियों की औषधि के रूप में प्रयोग होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हम देखेंगे कि भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है और बिना तुलसी के पत्ते के बिना वो प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, यानी तुलसी हमारे लिए पूजनीय के साथ साथ औषधीय गुण भी है। और कहा भी जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा है वहाँ सुख शांति का वास बना ही रहता है। इसलिए आज के इस दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को तुलसी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज से दो दिन पूर्व यानी 23 दिसंबर स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस था। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कौन थे? एक प्रखर स्वतंत्रता संग्राम, आर्य समाजी, हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति के रक्षक, ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी थे, जिनका जन्म जालंधर में 1956 में हुआ और 1856 में हुआ और 1926 में उनका बलिदान हुआ और उस दिवस को हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि ऐसे 1926 में उनका बलिदान हुआ और लगभग आज 50वें वर्ष हुए भी आज भी हिंदू समाज उनको स्मरण करता है, उनको याद करता है, उनको बलिदान दिवस के रूप में हम हिंदू समाज के बीच में मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत पर ऐसे कई वर्षों तक आक्रांताओं ने आक्रमण किया। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रामपुर बुशहर से रमेश शर्मा।